अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि व्लॉगिंग तो स्टार्ट हो गई है और थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आज का व्लॉग किस बारे में है। आज का व्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि टोयोटा V8 लेना चाहते हैं या जिनके पास है, कि अब रिसेंटली क्या प्राइसेस जा रही हैं इसका ऑयल चेंज करवाने में, इसकी मेंटेनेंस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तमाम गाड़ियों में ऑयल चेंज के दौरान आपको ऑयल फिल्टर चेंज करना पड़ता है, एयर फिल्टर और एसी फिल्टर चेंज करना पड़ता है, लेकिन इसमें आज हम देखेंगे आया कि हमें एयर फिल्टर और ऑयल ही चेंज करवाना पड़ता है या उसके अलावा भी हमें कुछ चेक करवाना पड़ेगा। उसके अलावा देखेंगे हम कि इसकी ब्रेक्स कैसी हैं, थोड़ी सी इसकी जनरल चेकिंग भी करवा लेंगे ताकि गाड़ी ने जाना है आउट ऑफ स्टेशन, ताकि रास्ते में कोई मसला ना करे। बड़ी गाड़ी है, इसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है छोटी गाड़ियों के लिए। चलते हैं और बाकी देख लेते हैं। और अगर मेरे किसी भाई ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, जेल रोड पे टोटा सहारा मोटर है जहाँ मोबाइल वैन खड़ी है ट्रैफिक पुलिस की, आप आके यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं अपना लर्निंग विदाउट रश के, डायरेक्ट आएँ और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं आप। ऑयल फिल्टर और ऑयल इसका निकाल दिए इन्होंने, एयर फिल्टर और एसी फिल्टर ये पड़े हैं जो भी चेंज होने वाले हैं। चेंज हो गया जी, डिटेल कुछ इस तरह है। इवन इसमें 9 लीटर की पैकिंग आपको लेने पड़ती है, 3-3 लीटर के 3 पैक्स, 8.25 लीटर इसमें जो है टोटल ऑयल डलता है, कि प्राइस तकरीबन आपको 9 लीटर की ही पे करनी पड़ती है 8,600। ऑयल फिल्टर है वो 3,200 का है, एयर फिल्टर है वो है 12,900 का, एसी फिल्टर है वो है जी 4,100 का। कुल मिलाए 29,000 तकरीबन बनते हैं अगर जब आपने इसकी एक बार ऑयल चेंज और सर्विस वगैरह करवानी है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। वैसे अगर आप बाइक से चेंज करवाएं तो आपको तकरीबन 29,000 का, हाँ 15,000 रुपये के दरमियान आपका बाइक से चेंज हो जाएगा अगर आप बाइक से चेंज करवाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हाजिर होंगे। कीप स्पोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।